तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रियो में रोटेशनल ब्लेंड लगाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं शेप्स पे क्लिक करूंगा और रोटेशनल ब्लेंड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे स्केच टू सेक्शन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं डिफाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट कर लूंगा। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्केच की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नॉर्मल टू कर लूंगा। नॉर्मल टू करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं उसको डायमेंशन दे दूंगा। डायमेंशन देने के बाद मैं सर्कल को डिवाइड कर लूंगा। डिवाइड करने के लिए मैं 4 पॉइंट्स का यूज़ करूंगा। आपने इन पॉइंट्स पे सर्कल को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने दोबारा सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आपने एक एक्सिस सेलेक्ट करनी है और उसी एक्सिस के अराउंड हमारा करंट वाला प्लेन रोटेट करेगा। तो इस प्लेन को रोटेट करने के लिए मैं वाई एक्सिस सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड ही मैं इस प्लेन को रोटेट करने लगा हूँ। रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसका एंगल भर दूंगा। एंगल भरने के बाद मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक कर दूंगा। स्केच पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसे नॉर्मल टू कर लूंगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा। मैं इस रेक्टेंगल को 100x100 का बनाने लगा हूं। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, हमारा जो रोटेशनल ब्लेंड है वो लग जाएगा। इसे रोटेशनल ब्लेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो सेक्शन के बीच एक रोटेशनल फॉर्म में लगता है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको शेल कर लेना है। शेल करने के लिए आपने यहाँ पे इसकी शेल की वैल्यू भर लेनी है। शेल की वैल्यू भरने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, हमारा जो पीस होगा वो शेल हो जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा एडिट पे जाऊंगा और इस पीस को मैं सॉलिड करने लगा हूँ, इसलिए मैं शेल को अनटिक कर लूँगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा ये पीस है एकदम सॉलिड में बन जाएगा। अगर आपने इसी पीस को सरफेस में करना है तो इसके लिए आपको दोबारा एडिट पे जाना होगा और यहाँ पे सरफेस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो पीस होगा वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपने दोबारा एडिट पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आपने कैप एंड पे क्लिक करोगे तो ये सरफेस के दोनों साइड पे एक कैप्स लगा देगा। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कैप पे क्लिक करता हूँ तो दोनों साइड्स में एक कैप लग जाता है। इसके बाद अगर आपने स्ट्रेट या स्मूथ सिलेक्शन करते हो तो हमारी जो प्रोफाइल है उसमें काफ़ी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा स्केच सेक्शन। अब हम दूसरे तरीके से भी सीखेंगे कि हम सिलेक्टेड सेक्शन की हेल्प से कैसे रोटेशनल ब्लेंड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दो स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाले प्लेन पे एक स्केच ड्रॉ करूँगा। स्केच ड्रॉ करने के लिए मैं दोबारा से सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद मैं उसको डायमेंशन दे दूँगा। डायमेंशन देने के बाद मैं इस सर्कल को वैसे ही डिवाइड कर लूँगा। डिवाइड के लिए मैं 4 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। चारों पॉइंट्स सर्कल के सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मैं ये वाले प्लेन पे, इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है, इस पे एक स्केच करूँगा। नॉर्मल टू करने के बाद मैं इस प्लेन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं रेक्टेंगल को डायमेंशंस दे दूँगा। डायमेंशन देने के बाद मैं यहाँ पे ओके की ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। दो सेक्शन बन चुके हैं। इसके बाद मैं शेप्स में जाऊंगा और रोटेशनल ब्लेंड पे जाऊंगा। रोटेशनल ब्लेंड पे जाने के बाद मैं सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्टेड सेक्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं कंफर्म क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं एक सेक्शन सेलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और दूसरा सेक्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। दोनों सेक्शन को सेलेक्ट करते ही आपका जो रोटेशनल ब्लेंड है वो अप्लाई हो जाएगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाके इसको सरफेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे की तरह ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑप्शंस में जाके आप इसको स्ट्रेट या स्मूथ कर्व्स सरफेस दे सकते हैं। इसी के साथ आप कैप एंड का भी ऑप्शन यूज़ करके दोनों साइड्स पे कैप एंड भी लगा सकते हैं और
जैसे ही आप ओके करोगे आपका जो पीस होगा वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।